सो हे गाइस, दिस इज रवीता एंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से सिग्नल्स हैं, कौन से साइंस हैं जो यूनिवर्स हमको देता है जब हम एक राइट ट्रैक पे होते हैं। तो अगर आपने कोई अपनी लाइफ में डिसीजन लिया है या आप अपने किसी भी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड आप उसके लिए जो भी एफर्ट्स कर रहे हो, जो एक्शंस ले रहे हो, तो कुछ सिग्नल्स अगर आपको मिले देन डेफिनेटली ये यही इंडिकेट कर रहे हैं कि आप एक राइट ट्रैक पे हो। ठीक है, तो ये सिग्नल्स का पता होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपको पता ही नहीं कि वो सिग्नल्स कौन से हैं, तो अगर वो आपको मिलेंगे, अगर यूनिवर्स आपको वो शो करेगी तो भी आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, आप उसको समझ नहीं पाएंगे। सो इसलिए आज मैं आपको कुछ साइंस बताऊंगी जो सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको जानना समझना, राइट? शायद आपको इस वक्त वो साइंस मिल भी रहे होंगे आपकी लाइफ में, सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको वो पता, राइट? एंड इसी वीडियो का इंग्लिश वर्जन बहुत पहले बन चुका है एंड बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी, इसलिए इसको मैं हिंदी में आप दूसरी बार बता रही हूँ आपको, राइट? सो अगर इंग्लिश में चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना। ठीक है, ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला साइन जो मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाए, ये बहुत ज़्यादा मेजर साइन है। अक्सर लोग इसको नेगेटिव वे में देखते हैं कि ये नेगेटिव हो रहा है या वो रॉन्ग ट्रैक पे है, इसलिए चीज़ें गलत हो रही है या डिफ़िकल्ट हो रही है। बट रियल में ये एक यूनिवर्स का साइन है कि जब भी आप एक राइट ट्रैक पे होते हो, आपको चैलेंजेस मिलेंगे। ठीक है, और ये चैलेंजेस आपको इसीलिए मिलेंगे ताकि आप ग्रो कर सको, आप कुछ सीख सको, आप स्ट्रॉन्ग बन सको, राइट? तो इसमें आपको कोई ऐसी नेगेटिव तरीके से सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप कोई भी जर्नी में हो, किसी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड आपके जर्नी में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, थिंग्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, चैलेंजेस आ रहे हैं, तो ये सिर्फ यूनिवर्स आपको ग्रो करने के लिए आपको दे रही है। आपकी जो एबिलिटी है, आप उसको डेफिनेटली ओवरकम कर पाएंगे, आप डेफिनेटली उन ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम कर पाएंगे। तो ये सिर्फ आपको ग्रो करने के लिए, आपको लर्न कराने के लिए ही आपको मिलते हैं चैलेंजेस, जो शॉर्ट टर्म के ही होते हैं, बाद में थिंग्स फिर से सॉर्ट आउट हो जाती है। तो अगर आपकी जर्नी में अचानक से चीज़ें बिगड़ने लगी, अचानक से डिफ़िकल्टीज आ गई, ठीक है, एक अच्छा सा स्मूथ सी जर्नी चल रही थी और अचानक से डिफ़िकल्टीज, चैलेंजेस, कुछ अनवांटेड हुआ, देन रेस्ट अश्योर्ड आप राइट ट्रैक पे ही हो। सिर्फ आपको एक चैलेंज मिला है, यूनिवर्स ने आपको थोड़ा एकदम से उठाया है कि भाई आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, जरा बताओ हमें, ठीक है, इस तरह से। सो कीप गोइंग, स्ट्रॉन्ग रहिए, यूनिवर्स आपको गाइड करती रहेगी, आपको वो चीज़ों को एकदम डायरेक्ट करती रहेगी कि आपको कैसे जाना है, कहाँ जाना है। सो कीप गोइंग, ठीक है। अब दूसरा साइन ये है कि आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें सामने आएगी जो आपके डिज़ायर से रिलेट करती हो, ठीक है, जैसे कि जो भी आप डिज़ायर इस वक्त मैनिफेस्ट कर, जैसे कोई कार है पर्टिकुलर, कोई बुक है, तो किसी बंदे ने उस बुक का जिक्र कर दिया या किसी ने उसी बुक को परचेज कर लिया, ठीक है, या आप किसी डेस्टिनेशन में जाना चाहते हो, आप किसी प्लेस को एक्सप्लोर करना चाहते हो, बहुत टाइम से यू वॉन्ट टू ट्रैवल, तो कोई बंदा सोशल मीडिया में उसी की पिक्स डाल रहा है कि वो वहाँ पे गया है, एक्सप्लोर कर रहा है, या उसकी ही बातें कर रहे हैं कोई लोग, तो इस तरह से आपके डिज़ायर के रिलेटेड चीज़ें आपको दिखाई देगी और सुनाई देगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि आप राइट ट्रैक पे जा रहे हो, राइट? उसके बाद तीसरा साइन है कि आप पास्ट को लेट गो कर रहे हो। अचानक से आपके माइंडसेट पे एक चेंज आएगा, जो पास्ट की चीज़ें हैं जिसको आप होल्ड ऑन करके बैठे हो इतने टाइम तक, उसको आप रिलीज कर देंगे, आप पास्ट को लेट गो कर देंगे, ठीक है। तो अगर अचानक से आपके माइंडसेट में ये चेंज आ रहा है, आपका एटीट्यूड शिफ्ट हो रहा है, एक अच्छे वे में आप अब जा रहे हो, पास्ट में जो भी हुआ आपके साथ आपकी लाइफ में, उसको आप सिंपली लेट गो करके आगे बढ़ना चाह रहे हो, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर लाइफ, टू योर फ्यूचर, तो ये भी एक बहुत अच्छा साइन है कि यूनिवर्स यही बता रही है आपको कि यस, आप राइट ट्रैक पे हो, ठीक है। तो अगर आप पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे तो लेट गो कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट साइन है कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव कर रहे हो और आपके सराउंडिंग्स में भी लोग सक्सेस को
मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लोगों के लाइफ में भी खुशियाँ आ रही हैं। और मज़े की बात यह है कि आप उनके लिए इतना ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हो ना कि यू नो वो चीज़ आपके अंदर फील हो रही है। अगर कोई दूसरा इंसान इस वक्त सक्सेसफुल हो रहा है, किसी के लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है, देन आप भी उतना ही हैप्पी फील करोगे उनके लिए, ठीक है। तो आपके आसपास आपकी लाइफ में यू नो आपकी ग्रोथ स्टार्ट होगी, ठीक है। आपके जो डिज़ायर्स हैं वो फुलफ़िल होंगे, आपके विशेज हैं वो पूरी होंगी, और आपके अंदर एक नई यू नो एक्साइटमेंट बिल्डअप होगी कि येस यू वॉन्ट टू ग्रो। तो आप अपने गोल के ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगेंगे, आपकी लाइफ में एक जो पर्पस है आपका उसके ऊपर आप ध्यान देंगे, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, है ना। और आपकी जो भी यू नो जो ड्रीम है, जो आपकी गोल है, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा एक्शंस लेंगे। आप एकदम से यू नो आंखें खुल जाएगी आपकी। तो अगर इस तरह से अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे, सक्सेस मिलेगी आपको, आपके डिज़ायर्स छोटे छोटे डिज़ायर्स जो पूरे होंगे, तो डेफिनेटली आप एक राइट ट्रैक पे, ठीक है। उसके बाद एक नेक्स्ट साइन है कि आपकी लाइफ में अच्छे लोग अट्रैक्ट होने लगेंगे, मतलब कि अच्छे अच्छे लोगों की आपकी लाइफ में एंट्री होगी। अब ये कोई भी हो सकता है, डजंट रिलेट के सिर्फ कोई सोलमेट के फॉर्म में मैं बता रही हूँ, किसी भी फॉर्म में आपकी लाइफ में अच्छे अच्छे लोग आएंगे, और जो अनवांटेड लोग हैं या यू नो जो आपसे मैच नहीं कर रहे, या जो भी हो कोई ऐसे आपके फ्रेंड सर्कल में जो है जो लॉयल नहीं है आपके फ्रेंड्स, तो वो आपकी लाइफ से थोड़ा यू नो निकल जाएंगे, और आपकी लाइफ में ऐसे लोग आएंगे जो यू नो आपको ग्रो करने में आपकी हेल्प करेंगे, जो आपको यू नो आपको बूस्टअप करेंगे, वो आपकी आपके मोरल को बढ़ाएंगे, आपके अंदर की जो यू नो एबिलिटी है उसको वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो वो आपको हेल्प करेंगे आपकी पर्सनल आपकी खुद की लाइफ में आप आगे बढ़ पाएं, उनके लिए वो आपको हेल्प करेंगे, वो आपको उसमें एकदम से बोलते हैं ना कि वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे, वो आपको एकदम से उसमें एनर्जाइज्ड करेंगे, मैं ऐसा बोल सकती हूँ। तो अच्छे अच्छे लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं, तो अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली आप एक राइट ट्रैक पे हैं, कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने की स्टार्टिंग हो रही है, अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं आपकी लाइफ में, राइट। तो ये भी बहुत ज़्यादा मेजर साइन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट साइन है कि आपके खुद के इंट्यूशंस ये फील कराते हैं कि यस सब कुछ अच्छा हो रहा है या अच्छा हो जाएगा। चैलेंजेस होने के बावजूद आपको ऐसा लगेगा कि यस मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, हो रहा है। आपके अंदर एक मतलब जो बिल्कुल भी अनवेवरिंग एक फेथ है, जो बिल्कुल भी डगमगाएगी नहीं, तो वो आपके अंदर वो बिलीफ है, आपको ऐसा फील हो रहा है, आपके इंट्यूशंस आपकी गट फीलिंग से बता रही है कि नहीं, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ गोइंग वेल एंड ऑल विल बी वेल, ठीक है। तो आपके इंट्यूशंस के ऊपर आप काम कीजिए, आपके इंट्यूशंस आपको राइट डायरेक्शन में हमेशा लीड करते हैं, एंड यूनिवर्स आपके इंट्यूशंस के मतलब आपके अंदर से ही आपको वो चीज़ बताती है, तो उसके लिए आप अवेयर रहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट साइन है कि यू आर एट पीस, आप एकदम से यू नो जो स्ट्रेस वाले थे ना, तो आप एकदम से रिलैक्स हो जाएंगे। आपके अंदर की एंग्जाइटी, आपके अंदर की डेस्परेशन, आपके अंदर की वरीज, फियर्स, डाउट्स, लिमिटेशंस, नेगेटिव इमोशंस, सब कुछ यू नो वैनिश हो जाएगा। आप एकदम से पीस को फील करने लगेंगे। अगर ऐसा आपको फील होना, तो डेफिनेटली आप एक राइट ट्रैक पे हो, डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ मेजर चेंज होने वाला है, बहुत अच्छा चेंज होने वाला है, और यूनिवर्स आपको ये खुद आपके ही इमोशंस से, आप जो भी फील कर रहे हो ना उसके थ्रू ही वो आपको ये बताती है कि आप राइट ट्रैक पे, राइट। तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं जो सच में बहुत ज़्यादा मेजर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड यू नो आपकी लाइफ में अगर आप कोई भी एक सिंगल भी अगर इसमें से कोई साइन इस वक्त अट्रैक्ट कर रहे हो यू नो, तो डेफिनेटली आप राइट ट्रैक पे हो। तो वो चीज़ ऑब्जर्व कीजिए एंड बस फिलहाल यही था, इस सिग्नल्स के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर डिज़ायर्स फॉर योर लाइफ, एंड तब तक के लिए कीप गोइंग विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड गुड वाइब्स टू ऑल।